नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर शनिवार से दूसरे चरण का कार्य शुरू हो गया। दूसरे चरण के कार्य की शुरुआत पटना जिले के बख्तियारपुर स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुश्तैनी आवास से हुई। सीएम ने जनगणना टीम के समक्ष अपनी सभी जानकारियाँ दर्ज करवाई। दूसरे चरण की इस जातिगत जनगणना में राज्य के 2,59,00,000 परिवारों के समक्ष 5,19,000 से अधिक कर्मी जाकर जाति और के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें सभी परिवारों से 17 प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाएगी। बताया जा रहा है कि जाति जनगणना के लिए बने ऐप में लोगों से मिलने वाली सभी जानकारियों को कोर्ट में ही भरा जाएगा, जबकि दूसरे चरण की जातिगत जनगणना 15 मई तक चलेगी। वहीं जाति जनगणना के बाद एकत्रित सभी आंकड़ों को समायोजित कर प्रकाशित किया जाएगा। इसी आधार पर परिवार के प्रधान का कोर्ट, लिंग का कोर्ट, वैवाहिक कोर्ट, धर्म का कोर्ट, शैक्षणिक योग्यता का कोर्ट, रोजगार संबंधी क्रियाकलाप का कोर्ट, जमीन की उपलब्धता की जानकारी कोर्ट के सहारे ही दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति जनगणना को लेकर राज्य के सभी 38 जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डिले नहीं हुआ और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा। जाति आधारित तो नहीं है, माने तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है, तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की। आरक्षण के दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या मुख्यमंत्री जी? नहीं, आरक्षण का जो दायरा है सब तो उसके बाद की चीज है। जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा, और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं काम उसके लिए कि उसकी बनना चाहिए, तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10%। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिश फरक्का निवासी 44 वर्षीय आशीष मंडल की हत्या गला घोट कर दी गई। मृतक आशीष ईंट भट्टा पर मजदूरी कर अपना और परिवार का भरण पोषण करता था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद आशीष मंडल देर रात ईंट भट्टा पर ही सो गया था और सुबह होने पर लोगों ने देखा तो आशीष के पैर में तकिया बंधा हुआ था, जबकि मृतक आशीष के साथ एक और मजदूर सोया था, जिसको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मृतक का परिजनों ने गला घोटकर आशीष की हत्या करने का आरोप लगाया और 2 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। वहीं सबौर थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो भट्टा पे आए तो हम लोग ने देखा कि वो घर के देखा कहीं उसके शरीर पे खरोच विरोच कुछ भी नहीं है, और यदि नशा विशा भी करता, ज़्यादा नशा रहेगा तो उसको पलटी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसके पैर के नीचे जो है ना उसमें गंजी तकिया में लगाया हुआ था, तो हमने शक के मुताबिक ऐसा नज़रअंदाज किया कि यही तकिया से उसका मुँह दबा दिया गया हो, और ये लोग तब हम लोग को फ़ोन किया है। उसके बाद अंदर में एक आदमी और सोया हुआ था, जब बाहर वाला उसको 2 बजे रात में धक्का देता है तो अंदर वाला बोलता नहीं कुछ भी नहीं, तो इसके बाद जो है ना वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर का आदमी अंदर गया तभी उसको जगाया। भागलपुर के घंटाघर चौक पर शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीएम का पुतला दहन किया गया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश सरकार जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के साथ विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं निर्दोष हिंदुओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य कर रही है। साथ ही विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं ने बिहार के सासाराम, बिहार शरीफ, भागलपुर, मुंगेर और गया में हुए हिंसा पर तुष्टिकरण की राजनीति बंद करने और राष्ट्रीय एजेंसी से मामले की जांच कराने की मांग की। वहीं इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री सूरज प्रताप ने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान राज्य सरकार की विफलता एवं पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण उपद्रव मचाया गया। सूरज प्रताप ने कहा कि इस हिंसा में सैकड़ों सनातन धर्मियों के जानमाल की क्षति हुई और विधि व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने के बाद
व्हीप और बजरंग दल के निर्दोष कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का कार्य सरकार और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इस तरह की घटना को अधिसंख्य नागरिकों की व्यक्तित्व की स्वतंत्रता बाधित करने के अलावा उनके मानवाधिकार का हनन भी बताया। इधर BHP और बजरंग दल ने रामनवमी पर जगह जगह हुई हिंसा की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर की। विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन में विहिप के विभाग संपर्क प्रमुख राकेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष अवधेश कुमार शर्मा, जिला मंत्री मनीष शाह, महानगर मंत्री सुमित जिलोका, महानगर से संयोजक विश्वजीत कुमार समेत विहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 8 बजे मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि 30 तारीख को भगवा रैली में तुम्हें जान से मार देंगे और अगर जहां तुमको बचना है तो भगवा रैली और ये सब काम तुम बंद कर दो। और हम लोगों ने इसके खिलाफ लिखित में आवेदन SSP सर को और इसाकचक थाने में दिया। प्रशासन के तरफ से अभी तक तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, बस FIR दर्ज हो गया है और आगे की कार्रवाई के बारे में हमको कॉल मैसेज किया टीपू सुल्तान मियां भाई के नाम से मैसेज। नहीं, हम पहचानते नहीं है उनको, कौन है नहीं है। रामनवमी में जिस प्रकार से हिंदुओं के शोभा यात्रा पर जिहादी मानसिकताओं के द्वारा पथराव, आगजनी, गोलीबाजी, पत्थलबाजी मस्जिदों एवं मुस्लिम घरों से की गई, उसके उपरांत में हमारे राज्य सरकार नीतीश कुमार के द्वारा उल्टे हिंदुओं पर ही झूठे मुकदमा लगाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। इस गिरफ्तारी के विरोध में हम सब आज घंटाघर चौक पर तुष्टीकरण की रणनीति बंद कराने हेतु एवं बजरंग दल कार्यकर्ता और हिंदुओं पर, निर्दोष हिंदुओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में नीतीश सरकार का पुतला दहन किया। देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरह तरह के फैन आपने जरूर देखे होंगे, जिसमें कोई उनके लिए टैटू बनवाता है तो कोई उनकी तरह पूजा करता दिखता है। लेकिन भागलपुर में एक PM मोदी के ऐसे फैन हैं जिन्हें हम सभी मैंगो मैन अशोक चौधरी के नाम से जानते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दीवानगी के कारण किसान अशोक चौधरी ने एक आम का उत्पादन किया जिसका नाम उन्होंने मोदी आम रखा है। PM मोदी ने पहली बार जब वर्ष 2014 की लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी तभी किसान अशोक चौधरी ने 2 आमों का क्रॉस करके एक आम का उत्पादन किया और उसका नाम मोदी रखा। वहीं दूसरी बार जब 2019 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने तो एक बार फिर से मैंगो मैन अशोक चौधरी ने 2 आम का क्रॉस कर नया आम का उत्पादन किया और इस वैरायटी का नाम मोदी 2 रखा। बताया जा रहा है कि इस वर्ष आम के दोनों पेड़ों में काफी संख्या में आम देखा जा रहा है, जबकि मोदी और मोदी 2 आम अपने नाम के कारण भी काफी चर्चा में है। वहीं इसको लेकर मैंगो मैन अशोक चौधरी ने कहा कि 2014 में नया आम उत्पादन कर उसका नाम मोदी रखा, जबकि 2019 में दोबारा जीतने पर क्रॉस करा कर नया आम उत्पादन किया और इसका नाम मोदी 2 रखा। साथ ही कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर वो फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर वो नए वैरायटी के आम का उत्पादन करेंगे जिसका नाम मोदी 3 रखा जाएगा। बता दें कि जरदालु आम संगठन के अध्यक्ष अशोक चौधरी के बागान का जरदालु आम वर्ष 2007 से अब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाता रहा है। देखिए, जब मोदी जी पहला बार जीते थे तो हेमसागर और मालदा का एक क्रॉस मोदी 1 निकाले थे हम 14 में, और ये जब मोदी जी दूसरी बार जीते 2019 में तो मोदी 2 आम जो है उस समय लॉन्च किया गया 19 में और इसका नाम मोदी 2 है और ये इरविन और गुलाब खास का क्रॉस है। ये काफ़ी खूबसूरत आम है और काफ़ी अधिक फलता है। ये तो आप फल देखिएगा ना, अनगिनत फल इसमें आता है और 16 में ये गुठली था, इतना कम समय में ही है, 2 साल के बाद ही ये फलना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट भी है, छोटा पौधा होता है, किचन गार्डन में भी लगाने के लायक और टाउन में भी लोग लगाते हैं। और इस गाछ को करीब करीब इंडिया के या भारत के सभी स्टेट के लोग ले गए। लोकतंत्र, संविधान एवं मौलिक अधिकार की रक्षा समेत कई मुद्दे को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भाजपा हटाओ, देश बचाओ और नया भारत बनाओ अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योगों के कॉरपोरेटकरण और सांप्रदायिक फासीवाद के मुद्दे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आवाज़ बुलंद की, जबकि इस दौरान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव PC जोशी को भी जयंती पर याद किया गया।
इसको लेकर पार्टी नेताओं ने कहा कि इस जन अभियान के तहत आगामी 9 जून 2023 को जिला मुख्यालयों पर जन सत्याग्रह किया जाएगा। वहीं सबौर अंचल परिषद द्वारा बगड़ेड़ से शुरू हुई पद यात्रा के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं पीसी जोशी की जयंती भी मनाई गई। पद यात्रा बगड़ेड़, मोदीपुर, लोदीपुर, अजंतीपुर, बाबूपुर और सबौर से होते हुए सबौर हाईस्कूल चौक पर पहुंची, जहाँ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इधर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राज्य कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर सुधीर शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस के इशारे पर काम करते हुए जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सार्वजनिक उद्यमों का कॉरपोरेटकरण एवं निजीकरण किया जा रहा है। साथ ही कहा कि देश गंभीर संकट में है और सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है, जबकि इससे उबरने का अब एकमात्र रास्ता जन आंदोलन ही है, जिसकी शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा हटाओ, देश बचाओ और नया भारत बनाओ के नारे के साथ करती है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत वादे गांव में 4 दिवसीय नौकुंडी नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सोमनाथ महादेव मंदिर वादे से जल भरकर 501 महिलाओं एवं युवतियों द्वारा गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा वादे हसनपुर चकनाहा मोड़ होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां 18 अप्रैल तक गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भवानीपुर पंचायत के मुखिया अनिरुद्ध महतो सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वहीं इसके अलावा प्रखंड के भवानीपुर गांव में शुरू होने वाले 3 दिवसीय श्री कृष्ण कथा महोत्सव को लेकर भी भव्य कला शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगदीशपुर महादेव मंदिर स्थित चंद्रकूप से जल भरकर 501 महिलाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें मनमोहक झांकी भी शामिल रही। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। भागलपुर के पटल बाबू रोड स्थित जिम में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली साकेत स्थित मैक्स हेल्थ केयर के चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार ने मरीजों की जांच की। इससे पूर्व डॉक्टर अतुल कुमार का स्वागत रोटरी विक्रमशिला के चार्टर अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष राम विनोद सिंह, सचिव विजय आनंद और विक्रमशिला पिंक के चार्टर अध्यक्ष चंदना चौधरी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। हेल्थ चेकअप कैंप में 80 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की गई, जिसमें बीपी, शुगर, ईसीजी और वजन की जाँच की गई, जबकि इस दौरान डॉक्टर अतुल ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उचित परामर्श भी दिया। इस दौरान हृदय रोग से 15 मरीज भी शामिल थे। वहीं डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि अगर रोटरी विक्रमशिला एवं पिंक क्लब द्वारा किसी पेशेंट को साकेत दिल्ली में बाईपास सर्जरी के लिए भेजा जाएगा तो उसे हॉस्पिटल की ओर से 1 से 1.5 लाख तक की छूट दी जाएगी, जबकि एनजीओ प्लास्टिक कराने पर मरीजों को 1 लाख तक की छूट दी जाएगी। मौके पर कमला साहू, रेणु सिंह, अमित आनंद, संजय राणा, प्रशांत ब्रजी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।